हे हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और टुडे इज ट्यूसडे और सुबह के बजे हुए हैं 9:15। 8:30 बजे उठा था और टूथब्रश वगैरह की है। और अभी जो है मैं जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा आज होता है फास्ट। तो अभी जाता हूँ, नहाता हूँ, फिर थोड़ी पूजा करता हूँ और फिर पूजा करने के बाद जो है चाय को ग्रहण करता हूँ अपने शरीर के अंदर, ताकि मुझे एनर्जी मिल जाए और फिर करते हैं दिन की शुरुआत। तो भाई चलो नहाने चलते हैं। अरे तुम्हें नहीं जाना यार बाथरूम में, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, चलो आके मिलते हैं भाई। अस्सी नहा के तैयार हो चुके भाई, चाय हो चुकी है। सिस्टम कुछ ऐसा बन गया यार, आज वर्क है ना, तो यहाँ हमारे पड़ोस में एक शॉप है, वहाँ केले नहीं मिले। तो अभी जो है कहाँ गया यार, अभी जो है मुझे जाना पड़ेगा स्टैंड की तरफ और वहाँ से ले गया। यहाँ थे केले, मेहताब की शॉप है एक भाई मेहताब की, तो कच्चे थे तो उन्होंने दिया नहीं, सेक के लिए चाहिए मुझे। तो अभी जो है मैं जाता हूँ, मेरा एक जानकारी है अंकल अमित हर। नमस्ते अंकल। अंकल केले दियो, एक दर्जन कच्चे हैं ये भी है, चलो एक दर्जन कर दो, थोड़े पीले पीले से। हाँ तो वह देख दो, शेक बनाऊंगा। ठीक है अंकल, यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट कर रखा है व्लॉगिंग का, तो मनीष तो बता दियो सब्सक्राइब कर लेगा चैनल में। अभी तो वीडियो बनाऊँ था मैं, बस बढ़िया। नमकीन देना है पतले वाली यार। अरे मैंने स्टार्ट कर रखा एक चैनल यार, उन्हें भी देख क्या करते थोड़ा बहुत दे रहा हूँ। फेसबुक पाओ मेरे। हाँ फेसबुक, ये वाली 20 की कर दियो। जिम तो कती है छोड़ दी थी मैं, फिर भी थोड़ा बहुत तो टाइम निकाल लेता। मैं निकाल भाई छोड़ ली, बस दो चार दिन में क्या रूंगा, जिस दिन सामान नहीं लाना होगा ना, जो कुछ उस दिन 10 बजे जिम में जाने को बंद कर दूंगा, आज जो ना जाना, लेकिन आज और काम है। बैंक सही है, मैं भी यार करूंगा ज्वाइन। मैंने एक महीना करी थी फिर छोड़ दी, बिल्कुल मेरा दिन ये सान ना रोटी खा के सो जा ना, उससे निकला हुआ है। बज चुके हैं शाम के 6 और अभी जो है मैं मंदिर जा रहा हूँ एक बार। आज मेरा व्रत है ना, तो मैं मंदिर जा रहा हूँ। और यहाँ क्या चल रहा है किचन में, मम्मी क्या बना रहे हो? मम्मी बना रही है यहाँ पे सब्जी, जो कि बनी हुई है तोरी की, जो कि आज मेरे को नहीं खानी। यस, बहुत बेकार लगती है भाई। टिंडा फिर भी ठीक है, घिया तो एकदम गुआ, घिया और गुआ। तो अभी शाम का मौसम दिखा देता हूँ। और अभी जो है मैं जस्ट पढ़ रहा था, और अभी एक बार मंदिर जाता हूँ, फिर आके पूजा वगैरह करनी है। और अगर होश का तो आज मैं आपको फिर से एक ज्ञान पेलने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा। जितनी मेरी ऑडियंस है मे बी उसमें से 90 या 95% लोगों को नहीं पता होगा उस ज्ञान के बारे में। तो क्या ज्ञान है वो देख लेना वीडियो में, आगे मैं आपको आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी मैं निकलता हूँ मंदिर। वही 80 आ चुके हैं मंदिर, और मंदिर आप देख चुके हो पहले भी वीडियोस में जो है देख लिया होगा। अभी पूजा कर ली मैंने, और अभी एक शनिदेव का मंदिर है वहाँ पर पूजा करके निकलते हैं घर की तरफ। और घर पे जाके भी जो है वर्क खोलना है ना, तो उसके लिए पूजा वगैरह करनी है, तो देखते हैं। चलो अब पहले एक बार यहाँ कर लेते हैं भाई, भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई है आज। पता क्या गर्मी में ना लंबे दिन हो जाते हैं ना, तो भूख लग आती है। तो अभी भाई जो मैंने है ना, ये क्या यार टी शर्ट के अंदर बलियान बनियान मत पहना करो भाई। तो अभी जो है मैंने कर ली है पूजा, और मैं आपको कुछ देने वाला था ना फालतू का ज्ञान, क्योंकि अभी मेरा खाना नहीं बना। आज मैं खाने वाला हूँ बिना नमक का चूरमा, क्योंकि आज मेरा फास्ट था ना, मैंने अब बताया भी था। तो फालतू का ज्ञान देता हूँ। तो फालतू का ज्ञान क्या था कि भाई देखो 2018 आज एक अपील पड़ी मैंने, 2018 में अरुणाचल प्रदेश ने की थी। देखो आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो अब जान जाओगे कि हुआ क्या है, होता क्या है कि जो हमारा ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है सबसे ईस्ट में, और वेस्ट में गुजरात है, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम जोन है ना, उसमें टाइम जोन तो मतलब पूरे इंडिया का सेम है, कि भाई इंडिया में आप कहीं पे भी जाओगे टाइम सेम रहेगा, लेकिन जो सनराइज होता है वो 2 घंटे पहले जो है गुजरात के कंपेरिजन में 2 घंटे पहले सनराइज हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो 2018 में उन्होंने अपील लगाई थी कि भाई आप जो है
हमारा ईस्ट का जो है टाइम जोन जो है उसको अलग कर दो भारत के टाइम जोन से, तो इस पे जो है चर्चा चली हुई थी, तो हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखो वैसे उनका कहना ये था कि देखो हम जो मैन पावर है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे दो, जैसे कि मान लो 2 घंटे पहले जो है सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है, तो और ऑफिस खुलते हों जैसे कि 9 बजे खुलते हैं ज़्यादातर इंडिया में, तो वो कहते हैं कि जब सनराइज होता है और 9 बजे तक जो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, ऑफिस नहीं जा पाते, हम वर्क नहीं कर पाते, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए थोड़ा आप टाइम जॉइन टाइम को अलग करो, ताकि हम जो है अपने हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग ऑफिस वगैरह खोले और काम करें। तो इस पे जो है चर्चा हुई है और चल भी रही है, लेकिन हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि देखो अगर आप इंडिया में कहीं से भी जा रहे हो ईस्ट की तरफ, तो आपको बार बार घड़ी में फिर टाइम चेंज करना पड़ेगा। अगर टाइम जो हमारा चेंज हो गया वहाँ का और यहाँ का अलग किया गया, तो आपको हर इंसान को बार बार घड़ी में चेंज करना पड़ेगा। वहाँ जाएंगे तो टाइम चेंज करना पड़ेगा अपनी घड़ी में, फिर वहाँ से आएंगे तो टाइम चेंज करना पड़ेगा, तो इस वजह से जो है टाइम चेंज नहीं हो पा रहा, मतलब टाइम जोन जो है वो उनके अकॉर्डिंग अलग अलग नहीं किया जा रहा। तो बट उनका कहना भी यार ठीक है, क्योंकि देखो ऑफिस में मतलब यहाँ पे हमारा सनराइज होता है, उससे पहले वहाँ पे अंधेरा वगैरह हो जाता है और ऑफिस का टाइम वही रहता है पूरे इंडिया में, तो थोड़ा तो फेस करना पड़ता है उन्हें। उनकी भी बात ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो ये फालतू का ज्ञान था, मैंने आपको पेल दिया, अगर आपको अच्छा लगा, क्योंकि देखो नॉलेज सबको होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, तो ये छोटी सी नॉलेज जो है मैंने आपको दे दी है, क्योंकि देखो फालतू की दुनिया के इधर उधर के ज्ञान से तो अच्छा है थोड़ा आप जानो पहचानो कुछ चीज़ों को। तो मेरे पास ये ज्ञान था तो मैंने आपको बता दिया, और अभी जो है इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और अभी मैं खाना खाने वाला हूँ, मेरा बनने वाला चूरमा, तो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ, इसी उमंग और उत्साह के साथ, तो भाई यही एंड करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई चैनल को, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, कहाँ पे, यहाँ पे, तो इस पे क्लिक करोगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को आप प्रेस कर देना, तो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलो भाई मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय बाय।